अब यहाँ पर क्या हुआ है और क्या होने वाला है, सिर्फ आपको ही नहीं मुझे भी नहीं पता। लेकिन इस कहानी के पीछे जो असली गवाह है उसका साक्षी मैं ही हूँ। उसे टिकट नहीं मिला इसीलिए अब वो बागी हो गया है भाई। आप एक बार बात कीजिए ना। मामला क्या है मूर्ति? भैया अब तक पार्टी के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, फिर भी मेरी कोई इज्जत नहीं। जब पार्टी में मेरी कोई इज्जत ही नहीं तो फिर मैं पार्टी के लिए काम क्यों करूं? इसीलिए मैं पार्टी खड़ी करके हैसियत दिखाऊंगा। पार्टी को अपनी हैसियत दिखाना गलत बात नहीं है, लेकिन पार्टी से बाहर जाकर अपनी पार्टी खड़ी करना ये बहुत गलत है। मत कर मूर्ति, यहीं पर रुक जा, नहीं तो मुझे तुझे अपनी हैसियत दिखानी पड़ेगी। तेरी सेहत के लिए अच्छा होगा।
जरा होम मिनिस्टर को फोन लगाओ। सर, बड़े मालिक का फोन है। नमस्ते भैया। सुन स्वामी, तेरे गांजे की महक मुझ तक आ गई है, याद रखना वो महक जनता तक ना जाए। भैया, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। इन्फॉर्मेशन देने वाला मेरा आदमी है, उसे गलत कहना, मुझे गलत कहना है। भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मुंडू स्वामी, ये तेरे लिए लास्ट वार्निंग है, अगर ऐसा दोबारा किया तो पद के साथ साथ पार्टी से भी निकाल दूंगा तुझे। शर्मा सर, अच्छा ये बताओ कि चार लोगों में खुशियां बांटना गलत है क्या? अगर फ्री में देंगे तो आदत बना लेंगे, वहीं पैसों से देंगे तो वो बिजनेस होता है। बात सुनो, कुछ समय के लिए ये सब बंद करवा दो। ठीक है सर। अगर मुझे बिजनेस बचाना है तो नायडू को हटाना पड़ेगा। नमस्ते मालिक। बैनर अच्छा लगा। स्पेशली मैंने बनवाया मालिक। 70 साल का बुजुर्ग लिखने से अच्छा कैसे लग सकता है? बैनर निकाल दे। नायडू जी जिंदाबाद, 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 नायडू जी जिंदाबाद। पिताजी, हैप्पी बर्थडे पिताजी। अपर्णा, तेरी कैबिनेट में चल क्या रहा है जानती है तू? जब मुझे नहीं पता कि तेरे मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं तो तू इस पार्टी को कैसे चलाएगी?
पिताजी दरअसल मुंह बंद कर। अभी जो स्थिति चल रही है इसलिए पार्टी में एक महिला नायक का होना जरूरी है, इसलिए मैंने तुझे अपनी पोजीशन दी, लेकिन तेरी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। पार्टी को चलाने के लिए और भी महिलाएं हैं, याद रखना। जाओ। अंकल, मुझे मेरे पिताजी का तरीका पसंद नहीं आया। अरे मैं कोई छोटी बच्ची हूं क्या? गलती किसी और ने की और गाली मुझे दे रहे हैं? वैसे वो मुझसे इतने नाराज क्यों हैं? देखो अपर्णा, वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं है, पार्टी के प्रति मालिक का प्यार है। किसी और की गलती के लिए तुम पर गुस्सा कर रहे हैं। अगर वही गलती तुमने की होती तो इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, गलती करने के बारे में सोचना भी मत। अगर हो गई तो पिताजी तक मत जाने देना। बात उन तक पहुंचने के लिए किसी को उनके पास जाना होगा ना? इतनी हिम्मत किसमें है? चेकमेट। यू विन। As always. सर, मैं इस शहर में वुमेन्स वेलफेयर के तौर पर कई सालों से काम कर रही हूँ। उस वेलफेयर के पास 50 एकड़ की हमारी जमीन है। वहाँ पर अपर्णा देवी जी सीमेंट की कंपनी खोलना चाहती हैं और इस फैक्ट्री के लिए उस लैंड को कब्जा करना चाहती हैं। अपर्णा देवी के डर से कोई भी अखबार वाले ये आर्टिकल छापना ही नहीं चाहते। आपको ही न्याय दिलाना होगा सर। बहन जी, मेरे पेपर सर्कुलेशन के बारे में तो पता है, फिर भी अगर आपको मुझसे उम्मीद है तो मैं आपका आर्टिकल पेपर में छपवाऊंगा। डिटेल स्टडी करने के बाद आर्टिकल रेडी करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। अंदर नहीं आएगा? नहीं। तू जा। उस न्यूज को कवर करने के लिए मैंने बता दिया है, मैं पहुंच रहा हूं। पापा, आपका लंच लेकर आया हूं, खा लेना, मैं ऑफिस निकल रहा हूं। अरे सुन, इस फाइल को उठाकर अलमारी में रख दे। हाँ हाँ, उसे संभाल कर रख रहा हूं, आता हूं। उस फाइल को संभाल कर रखना। चल चलते हैं। तेरे पिताजी बहुत गुस्से में लग रहे हैं। अरे चलना यार। शुँ, 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 शुँ,
अरे कौन है? समझ गया यार, तू मुझे अपने काम से काम रखने के लिए बोल रहा है। ओके कूल, तू खुश रह। ऐसा मौका हमें क्यों नहीं मिलता है? ए! मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग ब्रो। मॉर्निंग ब्रो। मॉर्निंग ब्रो। क्या हुआ, तूने मैसेज नहीं किया? हाय सर। जल्दी दे। सर आपकी कॉफी मैडम की टेबल पर रखी है। मैडम ने कहा तो मैंने रख दी, बस इतना ही, मेरी कोई गलती नहीं है। सर मैडम का ही लगता है। अर्जुन। यस मैम। कम टू माय केबिन। कमिंग। ए काम करना अपना। मैं कम इन मैम। या कम कम। अर्जुन कितनी बार बोला है मैंने तुम्हें, डोंट कॉल मी मैम, कॉल मी लास्य। सिट, कॉफी पीते हुए बात करते हैं। Have it. अर्जुन इस वीकेंड पर कोई प्लान करें? अरे अरे, व्हाट हैपेंड? आर यू ओके? इट्स ओके, इट्स ओके। क्या चल रहा होगा अंदर? हे अंदर चल क्या रहा है? मुझे क्या पता सर। जा। मेरे हस्बैंड मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करते, एटलीस्ट तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, जो दिल में था वो तुमसे कह दिया। रेस्ट, इट्स अप टू यू। अरे तू क्यों बना रहा है? मैं बना लूंगा ना। हमेशा तो आप ही बनाते हो पापा, आप रेडी होके आ जाइए, मैं बना के रखता हूँ ना। मुझसे तेरे पिताजी का सेंटीमेंट देखा नहीं जा रहा यार, एक डोसा बनाकर दे दे, मैं खाकर निकलता हूँ। तुझे डोसा चाहिए तो डायरेक्टली भी मांग सकता है ना। बेटा अब तो शादी कर लेना, पहले आप खा तो लीजिए पापा। अगर किसी को पसंद करता है तो बता दे, मैं खुद जा करके बात कर लूंगा। तो फिर कल आप डायरेक्ट ऑफिस में ही चले आइएगा अंकल, लगे हाथ मुहूर्त भी निकाल लेंगे। क्यों अर्जुन, ये सच कह रहा है क्या? पापा ये तो हमेशा से ही ऐसी बकवास करता है, अगर कोई होती तो मैं पहले ही आपको बता देता। अभी आप जल्दी से डोसा खाइए और सो जाइए। ए चल तू। हेलो। नमस्ते गोपाल कृष्ण जी, आपका आर्टिकल बहुत पसंद आया। जब सीएम अपर्णा देवी खुद फोन करके बता रही हैं तो
बेशक मेरा आर्टिकल अच्छा ही छपा होगा, लेकिन हाथ में पेपर पकड़ने से हर कोई लीडर नहीं बन जाता। मैं भी वही बोल रहा हूँ मैडम, हाथ में हर कोई पेपर लेने से लीडर नहीं बन जाता। अच्छी बात है सर, आप जैसे लीडर को बचाना ये हमारी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब से मैं ही उस पर काम करूंगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? इस बात को बड़े मालिक तक पहुंचने से रोको। जब वो मेरे खिलाफ आर्टिकल छपवा रहा था तब तुम लोग क्या कर रहे थे? आप टेंशन मत लीजिए मैडम, उसे हैंडल करने का काम मेरा। आउट। अब बड़े बड़े लोग भी हमारे बिजनेस का कुछ नहीं कर पाएंगे। अर्जुन क्या डिसाइड किया? लास्या दरअसल, वन सेकंड। सॉरी मैम, आप बोलिए। वो अर्जुन इस बारे में सोच लेते प्लीज। क्या हुआ? ए, इतनी देर क्यों कर रहा है? आज हम अपने स्पॉट पर जाने वाले थे ना, कहाँ है तू? आ रहा हूँ मैं, चल फोन रख। फोन मेरे बदले ये क्यों रख रहा है? मैम, आई मीन लास्या, सॉरी, मेरा एक बहुत ही अर्जेंट काम है तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन! ए, तो उस मैनेजर के कैबिन में इतनी देर करता क्या है? तू हमेशा मुझे लेकर ऐसे रोता क्यों है? मैंने कभी तेरे अफेयर के बारे में कुछ पूछा क्या? अफेयर के बारे में? करंट अफेयर के अलावा मेरी लाइफ में तूने और कोई अफेयर होने दिया है? मैंने क्या किया है रे? क्या किया है? तुम्हारे लिए सरप्राइज है। क्या है वो? I love you too, अर्जुन। मैं तो बस मेघना की स्पेलिंग सही कर रहा था। Hey, मैंने हमेशा एक ही बियर पी है, आज पहली बार मैं अपनी लाइफ में दो बियर पी रहा हूँ, इसकी वजह सिर्फ तेरे जैसा दोस्त है। अबे वो सब छोड़ यार, अब चल यहाँ से। hey, उस लड़की को देखा क्या? लगता है कुछ हुआ है उसके साथ। चल गाड़ी घुमा। बस क्या हुआ? कहा ना तुम लोग, गाड़ी चला रहा हूँ और तुम लोग बीच में आ गए। चलो पीछे हटो। जरा उतार तो उसको, देखते हैं क्या हुआ। ये कर क्या रहा है? गाड़ी का हैंडल कहाँ है बे? तू जानता भी है तू रॉन्ग साइड में जा रहा है? अच्छा, सिस्टर को बुरा लग जाएगा। जरा हटो, मैं टर्न ले लेता हूँ। मास्टर तू कमाल का लग रहा है,
वैसे कितना पिया है? अरे बोलना। 5 तो लिए ही होंगे। देख रहा कैसे शर्मा रहा है? ब्रो, इस हालत में ना तुम लोग ड्राइव नहीं कर पाओगे। हमारी बाइक पे बैठ जाओ, हम ड्रॉप कर देंगे। नहीं तो एड्रेस बता दो, मैं कैब बुक कर देता हूँ। एक तो मैं अच्छे से ड्राइव कर रहा था और तुम लोग अचानक से बीच में आ गए और मुझे सजेशन दे रहे हो। आई गिव पुलिस FIR। FIR? यार ये प्यार से नहीं समझेगा। बिल्कुल नहीं। हाँ करो। हेलो पुलिस स्टेशन। कहाँ पर हूँ मैं? CI सर से मिलना है मुझे। आप अंदर जाइए मैडम। ए, उसे बाहर भेज दे। ठीक है सर। ए, चल बाहर आ। हाँ आता हूँ सर। मीडिया में होकर ये सब करती हो? तुम अपने ही चैनल पर हॉट न्यूज़ बन जाओगी। चलो जाओ। थैंक यू सर। चलता हूँ सर। तुम्हें थोड़ा सा भी सेंस नहीं है? जब पता था कि हम पिए हुए हैं तो सीधा घर जाने के बजाय पुलिस से पंगा क्यों लिया तुमने? मैंने? मैं पुलिस से पंगा क्यों लूंगा? और वैसे भी कंप्लेन करने वालों को छोड़कर मुझे क्यों डांट रही हो? कंप्लेन की? हाँ। किस लिए? क्योंकि फुल ड्रिंक करके हम ड्राइव कर रहे थे। हम चाहे जो भी करे वो कौन होता है? असल में वो है कौन? नहीं जानता। नहीं जानते तो जानने की कोशिश करो। हेलो नेत्रा, उसका फोन नंबर मिल गया। मैं आ रही हूँ सर। 5 मिनट्स। अपना फोन साइलेंट करके साइड में रखो। रख दिया मैम। मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो? इसने तो फोन उठा लिया। बात करो। हाँ हेलो। हेलो। अब बताओ ना, तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो? मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए मैडम। नो, मुझे अभी और यही बताओ। जोर से यस और नो। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? तुम ही मेरी प्रॉब्लम हो। आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम हो, क्योंकि आप खुद ही ये नहीं जानती हो कि आपको आखिर क्या चाहिए। ए, क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आता, अगर वाइफ को कोई प्रॉब्लम हो तो उसे अपने हस्बैंड के साथ शेयर करना चाहिए, लेकिन वैसा ना करके आप बाहर वालों के साथ अपने मन की प्रॉब्लम शेयर करती हो। अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व कर लो, और अगर नहीं होता है तो ब्रेकअप कर लो। वो सब ना करके एक ऑफिस में और एक घर में ऐसे मेंटेन करोगी तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दस साल से एक हस्बैंड जो तुम्हारी फीलिंग्स को जान रहा है, उसे 2 दिन में किसी वजह से छोड़ देना अच्छी बात नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई क्विट। गुड बाय। हेलो
फोन क्यों नहीं उठा रहा? नेत्रा बोलो बेटी। अर्जुन मेरा फोन नहीं उठा रहा है, कहीं आपके साथ तो नहीं है इसलिए फोन करके पूछ रही हूँ। साथ तो नहीं है और मैं अपने काम के लिए नायडू जी के पास आया हूँ। सर बड़े मालिक बुला रहे हैं। हाँ बेटी मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके ओके ठीक है अंकल। भैया एक नारियल देना। हाँ। क्या हुआ? क्या चाहिए तुम्हें? नो मनी। ये उस जगह से संबंधित पेपर है और ये आज रजिस्ट्रेशन होने वाले पेपर्स हैं। हाँ हाँ वो रजिस्ट्रेशन। हाँ उसी के पेपर्स हैं। सर नमस्ते। नमस्ते गोपाल कृष्ण जी, बैठिए। हाँ तो बताइए क्या बात है? कोई बात नहीं बोलिए। ये शायद आप जानते होंगे आपके बेटी की सीमेंट फैक्ट्री को। एक मिनट रुकिए, आपने फाइल दे दी ना, मैं इसे देखकर बताऊंगा। ठीक है सर मैं चलता हूं। ठीक है। नेत्रा के कॉल लिस्ट में गोपाल कृष्ण का नंबर मिला है, जो भी हो उसे भी उठा लेंगे। आज उसकी बड़े मालिक से मीटिंग है, देखते हैं। मुझे लगता है इसने बड़े मालिक को बता दिया। भरनी जरा मेरी बेटी को बुलाओ। अभी आपको अपनी बेटी पर फोकस नहीं करना चाहिए, उस होम मिनिस्टर पर कीजिए। मतलब? तुम ही बताओ यार। सर आपके बोलने पर भी मुन्नू स्वामी अपने गांजे का बिजनेस बंद नहीं कर रहा, अब वो छुप छुप के गांजे का बिजनेस कर रहा है। उसके बिजनेस से जुड़े कंप्लीट डिटेल्स और रूट मैप इस फाइल में है सर। मुन्नू स्वामी का त्याग पत्र शाम तक मेरे टेबल पर होना चाहिए। मुन्नू स्वामी रिजाइन करने के बाद पार्टी के अगेंस्ट चला गया तो? जाता है तो उसे जाने दो, उसकी जगह पर किसी स्ट्रांग आदमी को होना चाहिए। इतना स्ट्रांग पर्सन हमारी पार्टी में आएगा तो? उसे मैं देख लूंगा। हाँ बोल। मालिक गोपाल कृष्ण जी, ऐसी हमें खबर मिली है। उनका एक्सीडेंट गुंटूर सड़क पर एक ट्रक से हुआ है। उनकी हालत अभी बहुत गंभीर है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। अर्जुन। हाँ
ए, पापा कहाँ हैं? वो इमरजेंसी वार्ड में है यार, तेरे लिए ही वेट कर रहा था, डॉक्टर ने बुलाया। चल चल। हाँ। अर्जुन राइट? यस मैम। कम इन। शेखर। मैडम। गोपाल कृष्ण जी की रिपोर्ट्स लेकर आओ। ओके मैडम। ओके। तुम्हारे पिताजी को हेड इंजरी हुई है अर्जुन, उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, एक मेजर सर्जरी करनी होगी, पर सिर्फ 5% ही चांस होंगे। बट डोंट वरी अर्जुन, वी विल डू आवर बेस्ट। सर्जरी के लिए 20 लाख रुपए खर्च होंगे। 20 लाख? और साथ ही दवाइयों के लिए भी 5 लाख रेडी रखने होंगे। If you want, you can go for the second opinion. और ठीक लगे तो यहाँ साइन कर सकते हो। करते यार। शेखर। मैडम। सर को कैश काउंटर पर ले जाओ प्लीज। ठीक है मैडम। ठीक है, आते हैं डॉक्टर। ओके। काट दीजिए सर। सर बैलेंस अमाउंट अगले 2 दिन में पे करना होगा सर। ओके। अरे कहीं से थोड़े से पैसे मिल सकते हैं? मैंने अपने लोगों को बता दिया है, अरेंज करने में टाइम लगेगा। हेलो राजू, पैसों का इंतजाम हुआ क्या? नहीं यार, एक जानने वाले से पूछा है, 2 लाख देगा। हाँ। लेकिन 10% के ब्याज पर। अरे तेरी, बस एक मिनट, तू लाइन पे रुक, लाइन पे रुक। क्या रे, तू ब्याज मुझसे वसूल करना चाहता है? आईपीएल में जो डुबाया वो सब इस तरह से कवर करना चाहता है? पता भी है यहाँ किसी की जान जाने वाली है। अरे यार वो बात नहीं है, सुन तो। फोन रख। फोन फोन। भाई मैं गोविंद बात कर रहा हूँ, मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है, उसे हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। इस बार आप किसी और को भेज दीजिए। ये हॉस्पिटल का बहाना छोड़, तू सीधा काम पर आ जा, समझा? भाई कैसी बात कर रहे हो आप? मेरी बीवी यहाँ जिंदगी और मौत से लड़ रही है, अगर आप 20 लाख देंगे तब भी नहीं आऊंगा। ये कैसी बात कर रहा है तू? इस पर कॉल मत करना, ये नंबर मेरा नहीं है। ठीक है तेरी मर्जी। भाई अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो वो काम हम कर सकते हैं क्या? अरे देखो भाई, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। भाई चाहे जितना भी रिस्क हो हम कर लेंगे, प्लीज। एक बार इसमें घुस गए ना तो बाहर आना बहुत मुश्किल है। भाई आप अपनी वाइफ के लिए करना चाहते हो और मैं अपने फ्रेंड के लिए करना चाहता हूँ। भाई प्लीज, जिंदगी और मौत का सवाल है, बस एक बार मदद कर दो प्लीज भाई। ठीक है फोन दो। थैंक यू भाई। क्या हुआ गोविंद, फिर से कॉल किया? भाई मैं अपने भाई को भेज रहा हूँ। भाई को? रहने दे, ये जोखिम भरा काम है, थोड़ी सी भी गलती हो गई ना तो हम सब अंदर जाएंगे। अरे नहीं नहीं भाई, मेरा भाई है, भरोसे का है, मैं डिटेल्स भेजता हूँ। ठीक है भेज दे। ठीक है भाई। ओके। अर्को मुन्नू स्वामी के टिम्बर डिपोर्ट के पास जाकर बोलना कि गोविंद ने भेजा है। हाँ। लेकिन ध्यान रहे, एक बार काम करोगे बोलकर अगर नहीं किया ना तो मामला बिगड़ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर कॉल करना। ठीक है भाई, थैंक्स भाई, जाता हूँ। शाम के 6 बज गए, गोविंद का आदमी अभी तक नहीं आया।
गोविंद के आदमी तुम ही हो? हाँ सर। नाम क्या है? अर्जुन। गाड़ी और गाड़ी में रखा सामान दोनों होम मिनिस्टर साहब का है, इसलिए पुलिस तुम्हें कहीं नहीं रोकेगी। वो लोग चेक तो करेंगे लेकिन छोड़ देंगे। क्यों, डर लग रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इसीलिए? इसमें खतरा तो है क्योंकि सब अपने लोग नहीं है। सोचने वाली बात तो है, अगर आएंगे तो पूरे 20 लाख रुपए आएंगे, और गई तो 3 जाने तुम्हारे पिताजी को पकड़कर। ये क्या यार? बिना गन के यह धंधा करना मुश्किल है। उड़ीसा के बॉर्डर पर पहुंचते ही गोविंद को कॉल कर लेना, क्या करना है वो बता देगा। चलता हूं। उस ट्रक को रोको और उसे चेक करो। ए, रोको रोको रोको। क्या है ट्रक में? कुछ भी नहीं है सर। एक बार ओपन करो। हाँ करता हूँ सर। ठीक है। सब ठीक है? सब चेक कर लिया ना? चलो, उसने ओके बोल दिया, चलो खोल दो इसे। जाओ जाओ। क्या यार, उस पुलिस वाले ने इतना रुआब झाड़ कर ट्रक को ऐसे ही छोड़ दिया। टाइम पर ये भी नहीं है इसकी तो। अच्छा सुन, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, तू ध्यान से चलाना। ठीक है, मैं चला लूंगा, तू सो जा आराम से। क्या हुआ यार? ए, क्या हुआ?
चले गए। अब बता क्या करेंगे? उस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से चल। रास्ता दो ना। अबे तेरी तो रुक दिखा। अरे उनसे पंगा क्यों ले रहा है? थोड़ी देर रुक जाओ, वो लोग हट जाएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे हम लोग। अरे प्लीज यार, मेरी बात सुन, गाड़ी साइड से निकाल ले, चल। ए, क्या हुआ क्या हुआ यार? ए, ठीक तो है ना? इसलिए बोलता हूं कि फ्री की कभी पीनी नहीं चाहिए। नेत्रा से बात कर लेता हूं, एक बार ट्राई करता हूं। ए अर्जुन, अरे सामान कहाँ चला गया यार? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। अरे अंदर देख, कुछ बोरे रखे हैं। अबे हाँ यार, मुझे तो नेत्रा, ये बताओ तुम इस ट्रक में कैसे आ गई, और ये डेड बॉडीज किसकी है? नहीं पता। नेत्रा याद करने की कोशिश करो, अगर थोड़ा सा भी क्लू मिल जाए तो हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। पहले ही इस लोड को ले जाना रिस्की था, अब इसमें डेड बॉडीज भी है, क्या करें? इसे अनलोड करके पहले हमें तेरे पिताजी को बचाना है। अर्जुन, अंकल को क्या हुआ? ये लोड क्या है अर्जुन? ये चल क्या रहा है, बताओ मुझे अर्जुन। तुम्हारे पिताजी को हेड इंजरी हुई है अर्जुन, 20 लाख रुपए खर्च होंगे। वो काम हम कर सकते हैं भाई। भाई मैं अपने भाई को भेज रहा हूँ। उड़ीसा के बॉर्डर पर पहुँचते ही गोविंद को कॉल कर लेना। अर्जुन इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, पहले हॉस्पिटल चलो, वहाँ का बिल पे करते। अभी लाशों का क्या करेंगे यार? ए, तू पहले गोविंद को कॉल करके मैटर समझा। वो व्हीकल के ओनर को कॉल कर जरा। स्विच ऑफ आ रहा है यार। सत्या जरा देखना तो कि ये ट्रक किसके नाम पर रजिस्टर्ड है।
ए, ट्रक तो तेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। मेरे नाम पर? क्या सत्या, ये सब देखकर तो मुझे शक हो रहा है। जो मैंने सोचा था वही हो रहा है। और ठीक लगे तो यहाँ साइन कर सकते हो। इसका मतलब उस डॉक्टर ने मुझसे इस ट्रक के पेपर पर साइन करवाए थे, यानी ये सब पक्के प्लान के साथ हुआ है। हाँ यार, उस चेकपोस्ट से लेकर उस भीड़ तक इस ट्रक में पूरा लोड था। लोड का मिस हो जाना और ट्रक में डेड बॉडीज रखने की सिर्फ एक ही जगह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो भीड़। नेत्रा, वहां जाने से शायद हमें कोई ना कोई क्लू मिल सकता है। चलो जल्दी चलते हैं। नेत्रा, तुम राहुल को कॉल करके पूछो कि हॉस्पिटल में अब सिचुएशन कैसी है। कल रात तो सारी भीड़ यहीं पर थी, सुबह होते ही सब कुछ गायब कैसे हो गया? अर्जुन, आर यू श्योर? क्या इसी जगह पर मेला लगा था? कंफर्म इसी जगह पर। लेकिन मेला यहाँ पर हुआ था ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मुझे भी वही समझ में नहीं आ रहा है। हे, वहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे हैं, मैं उनसे पूछ कर आता हूँ। ठीक है जा। दादाजी, यहाँ पर कल मेला लगा था, वो मेला किसने लगाया आप उसे जानते हैं क्या? ये पोन्नूर है बेटा। हाँ। मेला किसने करवाया वो तो मुझे पता नहीं है। ये जगह शंकर नाम के सरपंच की है, तुम जाओ उनसे जाकर हाँ। पूछ लो। सुन, ये जगह सरपंच शंकर की है, उनसे जाकर पूछते हैं कुछ पता चलेगा। ठीक है, किस तरफ है? हाँ, सीधा चल। अरे रुक रुक भैया, सरपंच जी का घर कहाँ पर है? यहाँ जाकर राइट ले लो। वो आगे? हाँ, उधर। हाँ, ठीक है भैया, सीधा आगे चल। okay. आगे बस बस बस, यहीं रुक यहीं रुक। हाँ, इधर राइट साइड में जाना है। चलो। ए यार, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, एक सिगरेट पीकर आता हूँ, तुम लोग जाओ। हाँ ठीक है, जाओ पर जल्दी। हाँ ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है भाई, एक सिगरेट देना। कौन से गांव से हो भाई, कभी देखा नहीं। क्यों, गांव का नहीं हो तो सिगरेट नहीं दोगे? ऐसी बात नहीं है भाई, ये लो सिगरेट। ए, क्या हुआ? अरे ये क्या भाई, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? वैसे एक बात बताओ भाई, उस ट्रक में क्या है? गांजा है, चाहिए क्या? तुम शहर वाले बहुत मजाकिया स्टाइल के होते हो भाई। तुम्हारा गांजा है या तुम्हारे धंधे के बीच में जो आया उसे मारकर ट्रक में डालकर लेकर जा रहे हो? हाँ, तुम गांव वालों का भी सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ कम नहीं है। इधर इस ट्रक के अंदर एक लाश नहीं है, तीन हैं। अरे बाप रे, फिर से मजाक कर रहे हो, अब ये सब मैं और नहीं सुन सकता। अरे ओ पद्मा, तुमने सुना क्या? ए, क्या हुआ यार? बस वो आ ही रहे। हाँ। ले, ले।
हाँ नमस्ते। क्या हुआ साहब वो जगह को लेकर? अरे कल या परसों देख लूंगा ना, चलो अब जाओ यहाँ से। हाँ तुम लोग बैठो। जी सर। क्या बात है, किस गांव से आए हो और तुम्हें काम क्या है? यही सर कि कल रात आपके गांव में मेला लगा था ना। अच्छा अच्छा ये बात है। अरे वो कोई आया था, बोल रहा था कि शूटिंग करनी है, मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था तो मैं मान गया और परमिशन दे दी। और सुनो भाई मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ, कल रात जो तुम लोगों ने मेला देखा था ना वो गांव के मेले के सामने कुछ भी नहीं था। तुम लोग भी शूटिंग के लिए आए हो क्या? जी हाँ सर, अगले महीने शूट है इसलिए हम जगह देखने आए। अरे तो मेरा बड़ा बेटा दिखा देगा ना। अरे सुन बेटा। कोई बात नहीं सर, हमने ऑलरेडी देख लिया है। तुमने देख भी लिया? कुछ भी बोलो, फिल्म वाले बहुत ही फास्ट होते हैं। ठीक है सर चलते हैं। हाँ, वो एडवांस वगैरह कुछ वो हमारा मैनेजर आपको दे देगा। हाँ, फिर ठीक है। बड़े प्लानिंग के साथ 3 मर्डर करके हमें इसमें लटकाने की पूरी तैयारी चल रही है। राहुल फोन कर रहा है। हेलो नेत्रा, अर्जुन के डैड हॉस्पिटल में एकदम सेफ हैं। लेकिन ये पूरा हॉस्पिटल सीएम का राइट हैंड कृष्णा के कंट्रोल में है। उसके पिताजी के वार्ड में डॉक्टर्स के अलावा किसी को जाने नहीं देते। ओके राहुल, अगर कुछ अर्जेंट हो तो बताना, ठीक है? ओके। हम लोग एक स्कैम में फंसे हुए हैं, पहले तो हमें इससे बाहर निकलना होगा। हमारी लाइफ शायद यहीं तक है यार। अर्जुन अगर हम लोग पुलिस के पास जाएंगे तो? कोई फायदा नहीं है, पहले तो वो हमें अरेस्ट करेंगे। अर्जुन मैं उस दिन किडनैप होने से पहले इस लड़की से नारियल के दुकान पर मिली थी। नेत्रा हम लोग कहीं पर तो कोई पॉइंट मिस कर रहे हैं। कल क्या क्या हुआ था जरा सोच कर बताओ तू। हाँ हाँ, वो लड़की मुझे एक लेटर दे रही थी लेकिन मैंने उसे नहीं लिया। लेकिन अब ये सब देखकर लग रहा है कि वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, शायद वो किसी मुसीबत में थी। बिल्कुल सही कह रही हो, उस लड़की की माँ को मैंने कहीं देखा है ऐसा लगता है। नेत्रा वो औरत एक बार मेरे पापा से मिलने आई थी, उस वक्त कोई फाइल भी। अरे सुन, इस फाइल को उठाकर अलमारी में रख दे। एक काम करो जल्दी से राहुल को फोन लगाओ। अर्जुन बोलो। राहुल तू जल्दी से लीडर प्रेस के ऑफिस में जाकर मुझे कॉल कर। ओके अर्जुन मैं जाता हूं। हाँ बोल राहुल। अर्जुन यहां दरवाजे पर ताला लगा है। ताला तोड़ दे। हाँ तुम लाइन पर रहना। अर्जुन मैं अंदर आ गया हूँ। ग्रीन कलर की अलमारी के पास जा। हाँ जा रहा हूँ। हाँ अलमारी मिल गई। ओपन कर। वहाँ लीडर लोगों के कवर की एक फाइल होगी, जरा देख। ओके। हाँ मिल गई। सुपर्ब, अब वो फाइल लेके आ जा। हाँ ठीक है अर्जुन।
क्या हुआ अर्जुन? नेत्रा, ये सब सीएम और होम मिनिस्टर का बनाया हुआ एक प्लान है। क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो अपर्णा देवी ऐसा क्यों करना चाह रही है? सारा का सारा मैटर इस फाइल में है। वुमेन्स वेलफेयर के पास सीएम एक सीमेंट फैक्ट्री लगाना चाहती है, उसी सिलसिले में वेलफेयर की जगह पर उसको कब्जा करना है, और इसी बात को लेकर मेरे पापा ने 4 दिन पहले इस पर एक आर्टिकल छापा था, और इस मैटर में होम मिनिस्टर भी शामिल है, इसलिए हम लोगों को फंसाया गया। वैसे अपर्णा देवी तेरे पिताजी को मारना चाहती है तो उन्हें सेफ क्यों रखेगी, और अपने पिताजी को क्यों मारेगी, और उसने डेड बॉडीज को ट्रक में क्यों रखवाया होगा? क्योंकि लैंड कब्जा मैटर मेरे पापा को पता चल गया, इसलिए। सही कहा अर्जुन, उस दिन जब मैंने अंकल को फोन किया था तब वो नायडू के पास थे। अगर हमारा शक सही है तो अगले 2-3 दिन में सीएम हमें कैसे भी करके उठा लेगी। अर्जुन, मीडिया के हेल्प ले क्या? अपर्णा देवी के अगेंस्ट कवरेज करेगा कौन? तो फिर अब क्या करेंगे? अब तो एक ही सॉल्यूशन है। क्या है वो? त्रिपाठी। बिना किसी पार्टी की मदद के इंडिपेंडेंट तरीके से 4 साल से एमएलए बन रहा है। जो भी प्रॉब्लम लेकर जाता है उसे सॉल्व कर देता है। और सबसे बड़ी बात, अपर्णा देवी और त्रिपाठी सांप और नेवला है। हेलो, हाँ तू कहां पर है? पास वाले दुकान में जाने के लिए तुझे कितना टाइम लगेगा? जल्दी जाना। एक मिनट रुक जरा, किससे मिलना है? हमें त्रिपाठी जी से मिलना है। वो अंदर ही है, जाओ। तुझे उस पास वाले कोल्ड स्टोरेज में जाने के लिए और कितना टाइम लगेगा? नमस्ते सर। आओ बैठो। कृष्णा भाई, वो लोग हमारे पास ही आए हैं, जिंदा वापस नहीं जाने चाहिए। आ रहा हूं भाई, बस आ ही रहा हूं। बच के निकल गए वो। मैं देख लेता हूँ भाई। ये सब हो क्या रहा है? विजय लक्ष्मी एमएलए त्रिपाठी के साथ क्यों है? मेरे पापा जो फाइल नायडू के पास ले गए थे वो त्रिपाठी के पास कैसे चली गई? आखिर अपर्णा देवी और इसका क्या संबंध हो सकता है? ये मामला बहुत ही क्लूलेस बनता जा रहा है। नहीं, सिचुएशन अब हमारे फेवर में है। फेवर में है? जैसा तुम लोग सोच रहे हो, विजय लक्ष्मी अभी तक मरी नहीं है। मरी नहीं है? ये देखो, मेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल की वजह से कल सारे मेडिकल स्टोर्स बंद रहेंगे, इसीलिए लोग आज ही दवाइयाँ लेकर जा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ये तो अभी भी जिंदा है। हाँ, लेकिन उस दिन तो न्यूज में आया था कि विजय लक्ष्मी मर गई। इसके पीछे भी कोई ना कोई प्लान है।
अर्जुन अब हम क्या करेंगे? ये डेड बॉडीज डीकम्पोज होने से पहले ठिकाने लगानी होंगी। सत्या, तू और राहुल मेरे बताए हुए एक जगह पर जल्दी से जाके इस ट्रक को छिपा देना, और तब तक मैं और नेत्रा विजय लक्ष्मी के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है। राहुल, स्कूटी की चाबी देना। मैम, कुरियर मैम। हे, कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? तुम्हारा और त्रिपाठी का क्या संबंध है? मैं और त्रिपाठी जल्द ही शादी करने वाले थे। तो आपने उस दिन मरने का नाटक किया था, और वो लड़की कौन थी? वो मेरी और त्रिपाठी की अपनी बेटी है। मैं त्रिपाठी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जैसा कि लोग सोचते हैं, त्रिपाठी वैसा इंसान नहीं है। उसने अपनी राजनीति के लिए मेरा इस्तेमाल किया। ये बात जानने के बाद जब मेरी बेटी पैदा हुई, शायद मेरे पापों की वजह से वो बेजुबान पैदा हुई। भगवान को यही मंजूर था। मैं लाचार थी, इस वजह से मुझे त्रिपाठी के साथ रहना पड़ा। त्रिपाठी ने एमएलए बनने के बाद उसके क्षेत्र में जितनी भी वुमेन एम्पावरमेंट थी, उसको अपने कब्जे में कर लिया, और जितनी भी लड़कियां हैं उनका वो इस्तेमाल करता है। जब इतना कुछ होने लगा तो किसी ने सवाल नहीं उठाए? नहीं, क्योंकि वो 16 साल बीतने के बाद किसी लड़की की फोटो भेजता था। उनमें जो लड़की उसे पसंद आती, वो उस लड़की को ही अच्छी एजुकेशन देने के नाम पर कहीं ले जाया करता था। उसके बाद उन लड़कियों का क्या होता था, किसी को कुछ भी नहीं पता। अगर कोई जानने की कोशिश करता भी था तो कृष्णा रास्ते से हटा देता था। वो फोटोज वो किसको भेजता था? मैं नहीं जानती। और तुम्हारी मौत की खबर न्यूज़ पर क्यों दिखाई गई? एक दिन उस लिस्ट में मेरी बेटी की भी फोटो आई थी। उससे डरकर मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं जाने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी ये बात कृष्णा को पता चल गई, और वो हमें मारने की कोशिश में जुट गया। अचानक ये लड़की हमें मिली। इस लड़की को मैंने कई बार न्यूज में देखा था। मैंने एक लेटर लिखकर अपनी बेटी को दिया और मैं वहां से चली गई। हम बच गए हैं, ये खबर त्रिपाठी को अगर पता चल जाती तो वो कृष्णा को मार डालता, इसलिए उसने हमारी मौत की झूठी खबर न्यूज में फैला दी। तो अब दीप्ति कहाँ है? पता नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ सिर्फ उसके लिए। मैंने जो किया वो गलत है, लेकिन मैंने वो गलती बहुत मजबूर होकर की। ऐसे लक्ष्मी को कैसे छोड़ सकते हैं? अगर उसने त्रिपाठी को बता दिया तो? नहीं बताएगी। पर क्यों?
अगर वो मर गई तो? इसलिए तो दिया है मैंने, ऐसे लोग मारे गए तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलो बाइक पर बैठ जाओ। पर पुलिस को पता चल जाएगा तो हमें प्रॉब्लम होगी ना? सुसाइड कर लेगी तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम होगी? विजय लक्ष्मी की बातों के हिसाब से नेत्रा ने उस कोकोनट शॉप में आकर मुझे कॉल किया था, पर मेरे फोन ना उठाने की वजह से इसने मेरे पापा को कॉल किया। दीप्ति अपनी मां का लेटर देने के लिए गई थी। ऑलरेडी विजय लक्ष्मी को जो कृष्णा छेड़ रहा था उसने जब देखा तो उसे लगा कि दीप्ति ने नेत्रा को सारे सीक्रेट्स बता दिए हैं, तो उसने दीप्ति को और नेत्रा को सीधे किडनैप कर लिया। हाँ, लेकिन तुम्हारे पापा को मारने की कोशिश क्यों की? हाँ, उनके कॉल लिस्ट में उसका नंबर देखकर उन्हें लगा कि नेत्रा ने मेरे पापा को सब कुछ बता दिया है, इसलिए मेरे पापा को मारने का प्लान बनाया था। लेकिन कृष्णा ने मेरे पापा को नायडू के ऑफिस में आते हुए देखा था और उसे लगा कि अब मैटर नायडू को भी पता चल गया। ये बात जब त्रिपाठी को पता चली तो हॉस्टल के मैटर के बारे में सोचकर वो पूरी तरह से डर गया था, इसलिए भरनी को, आईजी को और बड़े मालिक को उसने मार दिया। लेकिन डायरेक्टली नायडू के ऑफिस में जाकर उन तीनों को मारना इतना आसान काम नहीं है यार। उन तीनों को अलग अलग जगह पर मार पाना इतना आसान नहीं था, इसलिए उसने फार्म हाउस में ही उन्हें मारा। उन लोगों को वहां पर मारा इसलिए आसानी से वहां से निकल भी पाए। मेरे पापा के ट्रीटमेंट के लिए 20 लाख रुपए चाहिए बोलकर एक प्रॉब्लम क्रिएट की गई और सॉल्यूशन गोविंद के तौर पर भेजा गया, और पूरे प्लान के साथ हमें गांजा का ट्रक देकर मेले तक ट्रक को भेज दिया गया। और जब भीड़ में ट्रक रुक गया था तो उन तीनों लाशों को ट्रक में डाल दिया। अब तक हम लोग जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ये सब उन्होंने ही क्रिएट की है। चलो ये सब तो मेरा गेस है, लेकिन हो सकता है जानने वाली चीजें और भी हो सकती हैं, और इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ एक ही आदमी देगा। पर वो है कौन? भाई कृष्णा, उनके बारे में कुछ पता चला? भाई खबर मिली है कि वो आसपास ही कहीं छुपे हुए हैं। ध्यान से कृष्णा, इस बार किसी भी हाल में बचने नहीं चाहिए। नहीं बचेंगे भाई, इस बार मिस होने का चांस ही नहीं है। ओके भाई। इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, बस चुपचाप सवालों का जवाब दे वरना तेरा भेजा उड़ा दूंगा। गाड़ी स्टार्ट कर। अर्जुन? हाँ, और 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। हाँ ओके ओके।
अरे कृष्णा, तूने तो बहुत सारी फिल्में देखी होंगी। हीरो सवाल पूछता है और विलन जवाब देता नहीं है, फिर हीरो विलन को टॉर्चर करता है, सीन चाहे जितना भी ओल्ड क्यों ना हो, रिजल्ट बार बार वही मिलता है। मैं बस एक ही सवाल पूछूंगा, तू सीधे से जवाब दे देना, जिम्बाब्वे का कैप्टन कौन है? सीन में एक बदलाव आया है, इसलिए छोटा सा चेंज करता हूं। चल अब जल्दी बता, हुआ क्या था? थैंक्स कृष्णा। अरे सत्या, हाँ तुम लोग दोनों यहीं पर रुकना। हाँ। मैं और नेत्रा सीएम से कल के लिए अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं। अब हमारे पास जो भी प्रूफ है, हम इससे आसानी से बच पाएंगे। ओके। और हाँ, हाँ इससे जरा सावधान रहना। हाँ इससे हम निपट लेंगे। सिद्धू, सिचुएशन के हिसाब से यहाँ ड्यूट होना चाहिए। अगर हम एक मास सॉन्ग रखें तो कैसा रहेगा? सॉन्ग तो मैं लिख दूंगा, लेकिन उसे सही तरीके से करेगा कौन? कौन तू? हमें एक घंटे के अंदर सीएम के ऑफिस में किसी भी हाल में पहुंचना होगा। ओके। कहाँ गए? क्या हुआ? शॉक लगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुझे एक और शॉक दूं? कृष्णा, अरे इसने जो बोला वो रिकॉर्ड करके, वो वीडियो सीएम को भेजकर इस केस से बचने का तुम लोगों ने बहुत अच्छा प्लान बनाया था, सुपर। लेकिन शायद तू नहीं जानता है कि कृष्णा को पकड़वाया भी मैंने और इसे बचाया भी मैंने ही, पूरी स्टोरी का मास्टरमाइंड मैं ही था। उन डेड बॉडीज को कहां रखा है? उन लोगों को क्यों मारा बता दे,
तभी बताऊंगा डेड बॉडीज कहां पर है। इससे क्या पूछना है भाई? जरा रुक जा कृष्णा, मैं जानता हूं कि इससे सच कैसे उगलवाना है। वैसे भी 10 मिनट में ये मरने वाला है। ठीक है तो सुन, बताता हूं। एक छोटी सी गलती जिसकी वजह से ये आज यहां तक आ गया। कृष्णा ने नेत्रा का फोन नंबर तेरे बाप के फोन में देखा। जब ये तेरे बाप को मारने गया था तभी इसने तेरे बाप को नायडू के ऑफिस से बाहर आते देखा। ये सोचकर कि पूरा मामला नायडू को पता चल गया, इसीलिए तेरे बाप को मारने से पहले नायडू को मारने का प्लान किया। और इसीलिए मैं उस दिन नायडू के फार्म हाउस गया था। त्रिपाठी, तुझे लगा मुझे पता नहीं है क्या? जब मारने का फैसला कर लिया था तब मुझे और कुछ नहीं सुनना था, इसीलिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि भरणी और आईजी वहीं पर हैं। हाँ, कैसे हो होने वाले होम मिनिस्टर? मेरे जीजा जी ने सब बता दिया है ना, इसीलिए शौक लगा क्या? भरणी ने जैसे ही मुझे होम मिनिस्टर बोलकर बुलाया मुझे एक और शौक लगा, लेकिन तब तक मुझसे गलती हो चुकी थी। हाँ? नायडू को मैंने मार दिया था, इसीलिए भरणी और आईजी का मरना जरूरी था। चिची भाई, सब ठीक तो है ना? मैंने तुझे यहां किस लिए रखा? सब देखना था ना? अब क्या करें भाई, वो फाइल्स दे। और तब मुझे समझ में आया कि भरणी ने मुझे होम मिनिस्टर कहकर क्यों बुलाया था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दी है। लेकिन उस गलती में मुझे राम की तरह एक सोने का हिरण मिला, एक मौका मिला, और उस मौके का नाम है इस राज्य का मुख्यमंत्री। उन फाइल्स को देखने के बाद होम मिनिस्टर के गांजे के धंधे का पता चला। तब मैंने एक मास्टर प्लान बनाया। फिर मैंने तेरे बाप के लिए 20 लाख रुपए खर्च किए, तेरे नाम पर उस ट्रक को रजिस्टर करवाया और उस मेले में उन लाशों को डलवाया। मैंने तेरे जरिए 3 टारगेट्स को मिटाना चाहा, लेकिन तूने तो मुझे ही टारगेट बना लिया। तेरी तो अर्जुन! अर्जुन! बाप रे, देखा कितना प्यार करती है। इसे इससे बहुत प्यार है और इसको इसके बाप से प्यार है। जब इतना ही प्यार है तो बता देना चाहिए था ना डेड बॉडी से आए। डेड बॉडीज अपने पास रखकर मुझसे क्यों पूछ रहा है त्रिपाठी? ए, डेड बॉडीज कहाँ रखनी है? उसने ही तो बताया ना। तुझे उस पास वाले कोल्ड स्टोरेज में जाने के लिए और कितना टाइम लगेगा? कोल्ड स्टोरेज? और तुझे किसने बताया कि मेरे पापा तेरे कब्जे में हैं? तू वहां पर 4 लोगों को पहरेदारी के लिए रख देगा और मैं पापा को वहीं पर छोड़ के आ जाऊंगा, ये तूने कैसे सोच लिया त्रिपाठी? असल में तूने कृष्णा को हमारे पास भेजा था ना? अरे उसको छोड़ने का प्लान ही हमने बनाया था।
जब ये बात उगल रहा था तब मेरे दोस्त ने क्या किया जानता है? क्या गाना है? और एक शॉकिंग न्यूज बताऊं क्या तुझे? आज जो सीएम की अपॉइंटमेंट ली थी वो कृष्णा की बातें सुनने के लिए नहीं ली थी, बल्कि नायडू, भरणी और आईजी को किसने मारा ये दिखाने के लिए थी। अबे ऊंट, अपने शर्ट में देख जरा। कृष्णा, इट्स टू लेट यार, सीएम ऑलरेडी लाइव देख रही है। ए, ए, मार डालो इस कमीनी को। सोचा था आराम से डील करेंगे त्रिपाठी, लेकिन बात बनी नहीं। और वैसे भी क्लाइमेक्स में फाइट करनी ही पड़ती है, वरना फैंस लोग चुप नहीं बैठेंगे। हाँ, तू फाइट करेगा, क्या होगा उससे? अरेस्ट करवाएगा?
10 मिनट में बाहर आ जाऊंगा, जानता है ना त्रिपाठी। कंक्लूजन अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है त्रिपाठी, विलन बच जाए तब भी फैंस चुप नहीं बैठते। Hey! अर्जुन, मेरे लोगों ने मुझे बिना बताए जिस लैंड पर कब्जा किया है वो अभी क्लियर कर दूंगी, और रही बात होम मिनिस्टर की, उसे मैं पार्टी से बर्खास्त कर दूंगी। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसे कैसे हैंडल करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस सिचुएशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। क्या है वो?